स्टार उत्सव के पॉपुलर डेली सोप सपना बाबुल का विदाई में मल्लिका को सच का पता चल चुका है कि आलेख साधना हस्बैंड और वाइफ हैं। जिस बात पर मल्लिका आलेख से नाराज है कि उसने उसे साधना के बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर आलेख कहता है कि मैं किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। आलेख वहां से चला जाता है। तभी नवीन वहां आकर कहता है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपने साधना को जो 5 लाख रुपए दिए हैं इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। जिस पर मल्लिका कहती है कि हमने साधना को कोई पैसे नहीं दिए। नवीन शॉक्ड हो जाता है। मल्लिका के जाने के बाद रणवीर नवीन के पास आता है और पूछता है कि क्या बात है नवीन भैया। तब नवीन उसे पूरी बात बताता है। साधना को मेरी वजह से इतनी परेशानी हो रही है, आप मकान गिरवी रखने की बात किसी को मत बताइएगा। रणवीर तब सोचता है कि इसलिए भाभी ने शो में हिस्सा लिया, पर वो तो हार गई थी। मल्लिका जी ने भी उन्हें पैसे नहीं दिए, फिर उनके पास 5 लाख रुपये कहाँ से आए। राजवंश हाउस में रागिनी आलेख की सगाई की वजह से परेशान है। मीनवाइल वसुंधरा आलेख को रिंग की डिजाइन पसंद करने के लिए कहती है। तभी रणवीर कहता है कि मॉम मुझे लगता है कि इस डिवोर्स के पीछे आपका हाथ है, जिस पर आलेख रणवीर पर नाराज होता है। वसुंधरा तब सबसे झूठ कहती है कि हम साधना को वापस लाने गए थे लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी, पर हम ये नहीं जानते थे कि वो हमारी रिक्वेस्ट पर डिवोर्स पेपर भेज देगी। आलेख वहां से गुस्से में चला जाता है। रणवीर परेशान है। वहीं कौशल्या निवास में प्रकाश चंद साधना से पूछते हैं पर वो कुछ नहीं बताती। आलेख साधना दोनों टूट चुके हैं। रणवीर रागिनी भी परेशान है। साधना को परेशान देखकर प्रकाश चंद वसुंधरा से मिलने जाते हैं। वसु कहती है कि अगर आप साधना के बारे में बात करने आए हैं तो हमारे लिए वो किस्सा खत्म हो चुका है, पर तब भी प्रकाश चंद कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, पर जीने के नाम पर मेरी बेटी बस सांसें ले रही है, कुछ बचा नहीं है उसके जीवन में। वो रिक्वेस्ट करते हैं पर वसुंधरा नहीं मानती। अगले दिन हॉस्पिटल में कौशल्या आज डिस्चार्ज होंगी। डॉक्टर साधना से कहते हैं कि आप ध्यान रखें कि इन्हें किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो। नर्स साधना को दवाई समझाती है, पर तभी कौशल्या बोलती है कि आप मुझे समझा दीजिए, मैं अपनी दवाई खुद ले लूंगी। तभी वहां रागिनी वसुंधरा आते हैं। वसुंधरा कहती है कि हम किसी काम में उलझे हुए थे इसलिए हम नहीं आ पाए। कौशल्या वसु से कहती है कि साधना ने अपने रिश्ते का कोई मोल नहीं समझा, शायद मेरे संस्कारों में ही कोई कमी रह गई होगी। बाद में वहां सब आते हैं। रागिनी कौशल्या की दवाई लेने जाती है। तब नवीन सोचता है कि साधना से बात ही नहीं हो पा रही है। वहीं साधना डिस्चार्ज पेपर्स रेडी कराने के लिए जाती है कि तभी वहां एक ओल्ड लेडी जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, साधना उनकी हेल्प करती है। वो ओल्ड लेडी उसकी गुरु माँ की अम्मा है। गुरु माँ पूछती है कि तुम्हारी मामी कैसी हैं साधना। वो अपनी अम्मा से साधना को मिलवाती हैं, जिस पर अम्मा कहती हैं कि ये लड़की वही है जिसने अपनी मामी को बचाने के लिए 4 दिन में तुमसे नृत्य सीखा था। ये सारी बातें रागिनी सुन लेती है। रागिनी सोचती है कि साधना ने माँ के ऑपरेशन के लिए डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था। तभी वो गुरु माँ के पास जाती है और कहती है कि मुझे आपसे साधना के बारे में बात करनी है। साधना मेरी बहन है, मेरी बुआ की बेटी है, मैं इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मेरी माँ यहाँ एडमिट है। गुरु माँ कहती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन साधना जानबूझकर हार क्यों गई थी। वो सब रागिनी को बताती है। तुम उसकी बहन हो इसलिए वो कह रही थी कि वो तुमसे मुकाबला कर ही नहीं सकती, वो तुमसे जीत ही नहीं सकती। मैंने उसे ज़बरदस्ती भेज दिया था पर उसने तुम्हें देखते ही तय कर लिया था कि उसे हारना ही है। तुम बहुत लकी हो, ऐसी बहन बहुत नसीब से मिलती है। वो कॉम्पिटिशन तो हार गई पर पता नहीं कैसे उसने पैसों का इंतज़ाम किया। सो गाइज, आने वाले एपिसोड्स के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पर करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। विदाई के बाकी वीडियोस आप आई बटन पर देख सकते हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।